हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड बातें करी थी, वो वीडियो आपको यहाँ पर, आप मेरे चैनल पे, हमारे चैनल पे वीडियोज सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर अब पहले आपको वीडियो मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छी, मतलब अच्छा शेयर है जिसने अच्छे खासे IPO के बाद भी रिटर्न दिया, मतलब लिस्टिंग गेन तो दिया था उससे बाद भी रिटर्न दिया, तो उसे जाके देख लीजिएगा। ओके, आप को एक आइडिया लग जाएगा कि आपको शेयर में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा बात की जाए, यहाँ पर इस शेयर में हम IPO से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। आपको पता है अनुपम रसायन का IPO आ रहा है, उसका डिटेल्स, एंकर इन्वेस्टर, GMP, ओके, एज वेल एज उसकी सारी डिटेल्स, फाइनेंशियल क्या काम करती है, वो सब जानेंगे। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट, वीडियो में हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमेशा की तरह कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब करवाएं, खुद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाइए, लाइक करिए, एज वेल एज हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रखे हैं, एक आपका अगर डीमेट अकाउंट नहीं है यहाँ पर क्लिक करिएगा, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फीस नहीं है, यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। एज वेल एज यहाँ पर क्लिक करेंगे तो श्री राम जी का अयोध्या में जन्मभूमि में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे और अपनी इच्छा अनुसार जो भी चाहे वो दान दे सकते हैं, वो और पुण्य काम में एक मदद कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिससे रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले अनुपम रसायन इंडियन इंडिया लिमिटेड IPO। तो अनुपम रसायन है क्या, पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो अगर हम इनकी ये वेबसाइट है अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड, ओके, तो अगर ये हम बात करें तो ये जैसे कि रसायन, रसायन माने क्या होता है, एक तरीके के केमिकल्स को ही रसायन कहते हैं। तो केमिकल्स का मतलब क्या क्या, जो स्पेशल, मतलब ये जो जिस सेक्टर में काम करती है ना, देखिए, आर अदर स्पेशलिटी केमिकल्स आर यूज इन डाइवर्स एंड यूजर सेगमेंट कॉम्प्राइजिंग एंड स्पेशलिटी पिगमेंट, स्पेशलिटी डाइज एंड पॉलीमर एडिटिव्स। एज वेल एज अगर बात की जाए यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए लाइफ साइंस रिलेटेड स्पेशल केमिकल्स, तो ये जो काम करती है ना लाइफ साइंस रिलेटेड केमिकल्स में, एज वेल एज दूसरे बहुत सारे केमिकल्स में ये काम करती है जिसमें इनकी स्पेशलिटी है। अगर हम यहाँ पर बात करते और भी पढ़ते तो देखिए 1984 में अनुपम रसायन इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इंगेज इन कॉटन सिंथेसिस, कॉटन सिंथेसिस एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ स्पेशल केमिकल्स इन इंडिया। द बिजनेस हैज़ टू वर्टिकल्स, लाइफ साइंस रिलेटेड जो मैंने आपको बता दिया है, ओके, एग्रोकेमिकल्स विच इज़ यूज इन एग्रोकेमिकल्स, ओके, और अगर बात की जाए कंपनी हैज़, और दूसरा ये फार्मास्यूटिकल्स में भी ये कंपनी काम करती है। अगर बात की जाए कंपनी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद मैनी मल्टी कंपनीज लाइक, तो अगर देखेंगे ना तो आप यहाँ पर देखिए सिंजेंटा, ओके, आपने, आप खुद इन्वेस्ट करते होंगे इन कंपनी में, UPL, UPL Nifty 50 का पार्ट है। अगर बात की जाए सुमेटो केमिकल्स, ये जो कंपनी है ये जापान की कंपनी है, ओके, तो ये अगर बात की जाए और कहाँ पर है, अक्रॉस कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, जापान, इंडिया, तो अलग अलग, मतलब इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है और इसके कस्टमर्स इंडिया में ही नहीं, बाहर भी इसके कस्टमर्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो कंपनी का जो डाइवर्सिफिकेशन है केवल इंडिया में ही नहीं, ओके, दूसरी जगह पर भी है। अगर बात की जाए यहाँ पर और भी बात चीज़ों की, तो इट हैज़ 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आउट ऑफ विच 4 आर सिचुएटेड एट सचिन एंड 2 आर लोकेटेड इन जगाड़, ओके, तो यहाँ पर 6 इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, ओके। अगर इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की हम बात करें तो देखिए डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है इनका, जो कस्टमर है ओके डाइवर्सिफाइड है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि यूरोप, अमेरिका, जापान यहाँ पर काम करती है। इन हाउस देखिए R&D में कंपनी है काम करती है, ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इनका खुद ही इनके यहाँ पर होता है। डाइवर्सिफाइड एंड कस्टमर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इनका जो प्रोडक्ट्स है वो भी डाइवर्सिफाइड है, इवन ये स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाते हैं, स्ट्रेटेजिकल लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, तो ये सब इन्होंने बता रखा है अपने बारे में। परफॉर्मेंस भी इनकी काफ़ी अच्छी है। अगर कंपनी के प्रमोटर्स की बात की जाए तो देखिए ये मिस्टर आनंद एस देसाई, किरण सिंह पटेल, तो ये जितने भी लोग हैं ना ये इनके सारे के सारे प्रमोटर्स हैं, ओके, जो कि कुछ OFS के थ्रू और कुछ फ्रेश इशू के थ्रू इन यहाँ पर IPO लाते लाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं।
अगर कुछ बात की जाए इसके फाइनेंशियल्स की, तो देखिए फाइनेंशियल आपके सामने मिलियन रुपीज़ पे, इसकी तरफ ध्यान देंगे हम, मेन पार्ट यही है। इससे पता लग जाएगा कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बात की जाए यहाँ पर टोटल एसेट की, तो देखिए 2018 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर, 2019 का फाइनेंशियल, 2020 और ये दिसंबर, पिछले 9 महीने का ये डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। एंड मिलियन रुपीज़ पे यहाँ पर ये सब कुछ दे रखा है। तो अगर टोटल एसेट की बात की जाए, तो एसेट तो हमेशा मोस्टली कंपनी का बढ़ता ही हुआ आपको नज़र आएगा, अगर कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट, कंपनी इज़ मेकिंग रेवेन्यू। ओके, अगर बात की जाए रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू पे हम ध्यान देंगे, तो यहाँ पर देखिए 2018 में लगभग 3492 करोड़ रुपए के सॉरी मिलियन रुपीज़ के यहाँ पर रेवेन्यू थे। अगर बात की जाए 2019 की, तो जो बढ़ के लगभग 5200 के आसपास हो गए। इसके बाद अगर बात किया 2020 की, तो यहाँ पर देखिए 5393.87 जो कि यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर दिसंबर की, तो यहाँ पर देखिए दिसंबर यहाँ पर ये जो पिछले 9 महीने की बात की जाए, तो यहाँ पर अब देखिए क्या अंतर है, मतलब अच्छा खासा इसने पिछले एक केवल 9 महीने में काम कर लिया, जहाँ पर ये पिछले 12 महीने में कमा रही थी, यहाँ पर इनका रेवेन्यू कितना हो गया 5631 केवल 9 महीने के अंदर। अगर प्रॉफिट की बात की जाए ना, तो यहाँ पर देखिए 403 करोड़ का प्रॉफिट 2018 में था, 502 का 2019 में, 529 का 2020 में। ओके, अगर बात की जाए पिछले 9 महीने में, तो 9 महीने में भी 480 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। और अगर पिछले और अगर आने वाले 3 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि 550 तक तो ये पहुंच जाना चाहिए, जिस तरीके की इसकी ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। तो कंपनी देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छा तो नहीं, हाँ बट ठीक ठाक अच्छा प्रॉफिट देता हुआ हमें नज़र आ रही है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा है। अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू, मतलब क्यों ला रहे हैं आईपीओ, तो वही कुछ इनका कर्ज होगा जो कि हमेशा रहते ही है, कुछ जनरल के पर्पज होंगे, उसी से रिलेटेड है। तो देखिए कल की डेट में, कल है 12 तारीख, तो 12 तारीख को ये आईपीओ आपको आता हुआ नज़र आएगा। ओके, 12 को यहाँ पर ओपन होता हुआ नज़र आएगा, 16 तारीख को, ओके 16 तारीख को ये मतलब ट्यूजडे आई थिंक मंगलवार है, उस दिन ये बंद हो जाएगा, उस दिन लास्ट डेट होगी। तो वहाँ उस दिन तक लास्ट डेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और कभी भी आईपीओ अप्लाई करना है, तो हमेशा याद रखना कि सेकंड डे या थर्ड डे ही अप्लाई करना, फर्स्ट डे जाके मत एंट्री करना, क्योंकि फर्स्ट डे में सेकंड डे में हमें पता चल जाएगा कि कितना मल्टीप्लाई में कितना गुना सब्सक्राइब हो गया, एज वेल एज बात करें कि किस किस HNIs इसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं, तो एक आइडिया लग जाता है, फिर उसी के हिसाब से हम एंट्री करते हैं, तो अच्छा है। तो मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो भी अच्छी बात है। इशू टाइप की बात करें, तो बुक बिल्डिंग टाइप इशू है, जो कि आपको पता ही है 10 per share इक्विटी शेयर में ये मिलेगा, और इसका कट ऑफ प्राइस पे ही आप बिड करना, तो 553 to 555 इक्विटी शेयर है, तो आपको 555 पे मिलेगा, 27 shares का एक लॉट मिलेगा। ओके, 27 shares होंगे इसमें, BSE NSE दोनों पे लिस्ट होगा। ओके, अगर बात की जाए यहाँ पर 760 करोड़ रुपए का यहाँ पर ये आईपीओ हमें आता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर अगर डेट देख ले, तो 12 तारीख को आएगा, 16 को लास्ट डेट है। ओके, 19 तारीख को अलर्टमेंट हो जाएगी जिसे मिला होगा। ओके, जिसे नहीं मिला होगा 22 तारीख तक उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, इनिशिएट कर दिए देंगे मतलब। ओके, एज वेल एज अगर बात की जाए अकाउंट में डेबिट अकाउंट में अगर किसी को मिला होगा, तो शेयर 23 तारीख को मिल जाएंगे, आ जाएंगे। और आईपीओ लिस्टिंग डेट की बात करें, तो 24 तारीख को यहाँ पर आईपीओ लिस्ट होता हुआ हमें नज़र आएगा। और मैक्सिमम अगर बात करें, तो ये केवल आप एक 13 लॉट के लिए जा सकते हैं, और एक मिनिमम आपको लॉट लेना पड़ेगा जो 14995 का, और 13 लॉट 1,94,805 का हो जाएगा। अगर बात करें तो देखिए अभी अब जो है होल्डिंग प्री इशू शेयर होल्डिंग जो इस कंपनी की है 75.8% की है। ओके, अभी दे नहीं रखा इन्होंने कितना यहाँ पर इनकी हो जाएगी आफ्टर अगर बात की जाए आईपीओ के बाद, तो 75% की हिस्सेदारी अभी भी है, बट अभी मार्केट में ला रहे हैं, मार्केट अच्छी खासी है, इस वजह से ये लाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए इस कंपनी में एंकर इन्वेस्टर की, तो देखिए 15 एंकर इन्वेस्टर्स के साथ, ओके लगभग 225 करोड़ रुपए इन्होंने रेज ऑलरेडी कर लिए। ओके, अगर बात की जाए GMP, तो देखिए GMP जो ग्रे मार्केट प्राइस होता है, जो डब्बे बाजार में चलता है, तो वो गिरता हुआ हमें नज़र आया है कल के दिन। यहाँ पर देखिए द ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफ द अनुपम रसायन हैज फॉलन 10%, जो कि कितना कितना हो गया 230, तो ये लगभग अगर बात की जाए 875 रुपये का आईपी मतलब चल रहा था, जो कि अभी चल गिरते गिरते 785 रुपये पर शेयर हमें ग्रे मार्केट प्राइस का होते हुए नज़र आया, मतलब 58% का ग्रे मार्केट प्राइस था, तो अभी लगभग 41.44% होता हुआ नज़र आया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर
16 तारीख से लिस्टिंग कब हो रही है, 24 तारीख, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है 8 डेज का डिफरेंस है, तो 8 डेज के अंदर अंदर कुछ भी अगर मार्केट में नेगेटिविटी होती है तो इसका जो GMP है वो और गिरता हुआ हमें नज़र आएगा। बट जिस तरीके से हमें अगर मार्केट लग रही है तो मेरे ख्याल से गिरनी नहीं चाहिए मार्केट, ओके, आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी रिजल्ट्स का भी टाइम है, तो जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे तो मार्केट और अप जाने के चांसेस रहेंगे, तो अच्छा तो लिस्टिंग गेन इसमें मिल सकता है। तो लिस्टिंग गेन के बाद आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी रोकना चाहते हैं तो रोक सकते हैं, क्योंकि इसके जो कस्टमर क्लाइंट्स हैं काफ़ी अच्छे हमें, जैसे कि UPL हो गए, ओके, अगर सुमोटो केमिकल्स, तो अच्छा खासा हमें नज़र आ रहा है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं, ओके। और ये सब बातें थी इससे रिलेटेड, इस IPO से रिलेटेड, जो कि मैंने आपके सामने पेश कर दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हमारे इस वीडियो को लाभ और दूसरे लोगों को मिल सके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।